तो चलिए चॉकलेट मफिन्स बनाएंगे बहुत ही आसान रेसिपी के संग। क्रिसमस आ रहा है तो आपको दिखाते हैं कितना अच्छा टेक्सचर। अगर आपको भी खाने का मन कर रहा है इसको, तो ऐसे चॉकलेट मफिन्स आप आसानी से बना सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए। तो इसके लिए पूरी रेसिपी देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आपके लिए लाए हैं क्रिसमस स्पेशल ये रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है, चॉकलेट मफिन्स, इजी रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं। यस सो यहां मैंने ऐसे ये मेजरमेंट के कप्स लिए, उसका 1.5 कप ऑफ मैदा यहां मैंने वो स्ट्रेनर रखा है। तो देखिए हमने 250 ml का कप लिया है और वो 1.5 बोल हमने यहाँ पे मैदा लिया है। इसमें हम डालेंगे 3 tablespoons ऑफ कोका पाउडर। ओके, दिस इज अनस्वीटेंड कोका पाउडर। ओके, फिर इसमें डालेंगे 1/2 teaspoon से भी थोड़ा सा कम ऑफ बेकिंग सोडा। ओके, और लेवल करके डालेंगे हम इसमें। और ये है 1 teaspoon ऑफ बेकिंग पाउडर। ओके, अभी हम इसको अच्छे से सब मिक्स कर देंगे ऐसे। सो देखिए यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही है श्वेता के संग। हम ये रेसिपी लेके आए हैं क्रिसमस स्पेशल। जैसा कि आप जानते हैं श्वेता यमी यमी स्नैक्स दिखा रहे हैं अपने शो में। आज बना रहे हैं चॉकलेट मफिन, बच्चों का पसंदीदा। बहुत आसान रेसिपी है, 5 मिनट एफर्ट लगता है लिटरली इसको बनाने में। सो देखिए यहाँ मैंने मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी कर दिए हैं। नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स माय वेट इंग्रेडिएंट्स। ओके, सो सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 cup ऑफ ऑयल। ओके, मेबी सेम मेजरमेंट, एवरीथिंग इज द सेम मेजरमेंट स्पून्स। देन आई विल ऐड 1/2 cup ऑफ कर्ड। ओके, एंड कैन यू शो द कप? यस, मेजरमेंट वाला सेम दोस कप्स व्हाट आई एम यूजिंग एग्जैक्टली। देखिए 250 ml है, ये 125 ml है, तो ये 1/2 cup इसको श्वेता बुला रही है। फिर इसमें हम डालेंगे 1 cup ऑफ पाउडर्ड शुगर। इट ऑलवेज गोज इन अ वेट इंग्रेडिएंट्स। ओके, अभी हम सबको अच्छे से, एंड 1 tablespoon ऑफ वेनिला एसेंस। ओके, सब अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। हाय मीनू जी, हाय निहारिका जी, हाय कामिनी जी, हाय रश्मि जी, हाय कंचन जी, जिग्ना जी, प्रीति जी, अमनी जी, मेघा जी, भगवान जी, स्मिता जी, गुड टू सी यू ऑल। ये लाइव वीडियो हम जायका का तड़का में लेके आए हैं आपके लिए, ताकि आप आसानी से अपने बच्चों के लिए घर में ही चॉकलेट मफिन्स जो बाजार में इतने एक्सपेंसिव आते हैं बना सकें। सी, सो इसको अच्छे से सबको मिक्स कर लिया। नाउ वी विल मिक्स आवर ड्राई इंग्रेडिएंट्स टू द वेट इंग्रेडिएंट्स। ऑलरेडी मैंने सीव किया है पहले, सो आई विल जस्ट डायरेक्टली ऐड नाउ। और देखिए सेपरेट आपको करना है, सेपरेट सेपरेट। इसको मैं धीरे धीरे विस्क कर दूंगी पहले, ताकि सब लम्स निकल जाए। और जब आप ओटीजी में रखने के लिए रेडी हो तभी आप ड्राई और वेट को मिक्स करें, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट, हम अपने को ओटीजी को प्रीहीट करना है। तो हम आपको दिखाते हैं प्रीहीट करना। ये बना रहे हैं हम फिलिप्स के स्मार्ट ओटीजी में। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये मेन्यू यहाँ पे फिक्स्ड होता है, इसमें प्री सेट मेन्यू होता है। तो फॉर बिगनर्स लाइक मी इट्स वेरी इजी, 180 degrees पे 10 minutes के लिए इसको प्रीहीट कर लेंगे हम। सो यहाँ नाउ I've already mixed little. Now I will start adding milk gradually. This okay. Everything is on room temperature. So this is more than 1/2 cup. मैं slowly slowly milk डालूंगी इसको। इसको mix करेंगे और वो very slowly. So देखिए हमारा जो oven है वो already preheated है, तो ऐसे हम preheat start कर देंगे क्योंकि हमने just अभी batch बनाया है। तो it's already start 180 degrees पे 10 minutes के लिए आपको करना है। थैंक यू प्रिया जी, बलजीत जी, यस यू कैन ऐड चोको चिप्स इन इट। अगर आपको एड ऑन्स डालने हैं तो आप डाल सकते हैं इस बैटर में, जब ये बैटर बन जाएगा तब। थैंक यू नेहा जी। नाउ आई विल नीड लिटिल मोर मिल्क बिकॉज इट्स वेरी बैटर बहुत थिक है, तो मैं स्लोली स्लोली जाके अब इसको स्पैचुला से सब अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अगर आपको भी ये रेसिपी आसान और सिंपल लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। See, little more I will add. It has to be little flowing consistency. और देखिए अभी हम आपको बताएंगे कि इसको आप कैसे पता चल जाएगा कि आपका बैटर जो है बन गया है, वो ड्रॉप जो होना चाहिए गिरना। Yes, yes. So it should not be very thick nor very thin.
आप अच्छे से मिक्स करें और ओवर मिक्स भी नहीं करना है, थोड़ा सा धीरे धीरे सब मिक्स इनकॉर्पोरेट ऐसे कर दें। यस, वॉलनट्स भी आप ऐड कर सकते हैं शिवा जी, आप टूटी फ्रूटी भी कर सकते हैं, चोको चिप्स भी कर सकते हैं, चॉकलेट के चंक्स भी आप डाल सकते हैं। सो अभी हम और डालेंगे, धीरे धीरे डाल रहे हैं क्योंकि ताकि ज्यादा नहीं डल जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा डल जाता है। थैंक यू जया जी, गुड टू सी यू। अब बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। सो ऑलमोस्ट 3/4 कप जितना मैंने मिल्क डाला है इसके अंदर, टोटल क्वांटिटी ऑलमोस्ट डन। अच्छे से मिक्स हो गया सब अपना। नाउ आई विल शो यू द कंसिस्टेंसी। ओके, देखिए ये हल्के हल्के से ड्रॉप हो रहा है, राइट श्वेता? दिस इज इट। यस, और यू वांट लिटिल, यू कैन पुट लिटिल बिट, बट ऑलमोस्ट नाउ आई एम डन। नाउ यू सी। ओके, तो इस कंसिस्टेंसी का आपको बनाना है। सो नाउ आई विल स्टार्ट पुटिंग। सो देखिए यहाँ पे श्वेता ने क्या करा है ना, ये लाइनर्स होते हैं, वो बताएंगे अभी इसके बारे में। यस, सो ये क्या है, रेडीमेड लाइनर्स है। सो डायरेक्टली आप इस पे डाल सकते हैं। मेरे पास ये मोल्ड है, मैंने डायरेक्टली डाल दिया, बट अगर आपके पास ऐसे मोल्ड नहीं है तो आप डायरेक्टली ऐसे स्टैंड अलोन कप्स में भी लगा सकते हो। एंड व्हाट आर दीस कॉल्ड श्वेता? दे आर कॉल्ड स्टैंड अलोन लाइनर्स। ओके, दे आर ऑलरेडी, आपको उसको कुछ भी लगाना नहीं है। तो देखिए ये स्टैंडर्ड कपकेक लाइनर्स या आपको ऐसे मफिन के ये स्टैम्प बनते हैं, मिलते हैं किसी भी पैकेजिंग शॉप पे आपको मिल जाएंगे, तो वो आप लेके आ जाइए। और बेस्ट पार्ट है इसको ग्रीस नहीं करना पड़ता। यस, दे आर ऑल रेडी टू यूज। सो नाउ आई विल स्टार्ट पुटिंग इनटू दिस। एंड श्वेता, वेरी इंपॉर्टेंट टिप विच यू हैड टोल्ड मी अर्लियर ऑल्सो, इसको हमें कितना भरना है? इसको जस्ट 2/3 जितना भरना है, फुल नहीं भरना है उसको, 2/3 ही भरना है, क्योंकि ये राइज होते हैं। आपने देखे ना हमारे मफिन्स कैसे राइज हो गए, कितने राइज हो गए। और ये जो स्टैंड अलोन कपकेक लाइनर्स होते हैं ना, ये मार्केट में मिलते हैं, इनको आप डायरेक्टली ओटीजी में डाल सकते हैं। और नाउ सो ये देखिए श्वेता जो है इसको 2/3 ही भरेंगे हम इसको, ताकि राइज होने का इसको मौका दें और बहुत अच्छे से आपके राइज हो जाएंगे। अगर आप ज्यादा कर देंगे तो ये ओवरफ्लो कर जाते हैं, सो दैट्स व्हाई इनको रखना है। और ये देखिए Now we will just give a tap little bit to the tray. So now it's all ready to go. तो इसको अब हम डाल देंगे यहाँ पे। और देखिए प्री हीटेड ऑलरेडी है हमारा, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे बेक मोड पे यहाँ पे जाएंगे। एंड फॉर द वर्ल्ड आई विल डू ऑन 160. ओके, 160 फॉर 15 मिनट्स। ओके, तो देखिए ऑलरेडी प्री हीटेड है हमारा अवन 160 डिग्री पे, अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए करेंगे। सो वी विल जस्ट स्टार्ट इट। यस, एंड द बेस्ट फीचर ऑफ दिस, आई हैव अ लाइट हियर। यस, ये सबसे अच्छा है। एंड श्वेता विल टेल, देखिए ये लाइट नहीं तो नॉर्मली क्या होता है आपको पता नहीं चलता, अब आप देख सकते हैं बहुत जल्दी ये राइज हो जाते हैं, जैसे आपने इसमें देखा ये बिल्कुल राइज हो जाएंगे एकदम टॉप तक आपके। दैट्स व्हाई वी फिल्ड इट टिल 2/3 और इसमें आपको दिख जाता है। एंड श्वेता दैट्स रियली कन्वीनियंट, अदरवाइज आपने बताया था, आई हैड ऑल्सो आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि हम क्यों नहीं खोलते इसको। खोलेंगे तो पॉसिबल है सिंक इन हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, इट्स ऑलवेज गुड कि आपका लाइट फीचर विल रियली हेल्प यू, विल नॉट नीड टू ओपन इट ऑल्सो। ओपन इट ऑल्सो, नहीं तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और बेकिंग में अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो सिंक इन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे बन चुके हैं, अब हमारे 15 मिनट्स के बाद यू विल डू अ टूथपिक टेस्ट। यस, सो ऐसे आप इसको बीच में डालेंगे टूथपिक को, और इट हैज टू कम आउट क्लीन। सी दिस, देखिए क्लीन आ जाएगा आपका जैसे हमारे आ रहा है। सो बन जाएंगे आपके चॉकलेट मफिन्स, क्रिसमस के लिए तैयार हैं, बहुत टेस्टी और यमी लगते हैं। ट्रस्ट मी, योर किड्स आर गोइंग टू लव दिस क्रिसमस, क्योंकि आप लोग बनाएंगे चॉकलेट मफिन्स। अगर अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। थैंक यू सो मच श्वेता फॉर लवली रेसिपी, मिलेंगे दोबारा। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।